हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। यहाँ बोर्ड पर आपके सामने डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके विषय में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाई किए थे। तीन चीज़ इसके लिए मैंडेटरी होता है, सोर्स, ऑब्जर्वर और मीडियम। सोर्स जिससे साउंड निकलता है, ऑब्जर्वर जो उसको सुनता है, और मीडियम जिस माध्यम से होके साउंड वेव ट्रैवल करता है। ये तीनों में से यदि कोई भी ये तीनों में से यदि कोई भी तीन चीज़ आपको दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है अपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि लेट भी, वी एम, वी ओ और वी एस, लेट भी, वी एम, वी ओ और बी एस बी द स्पीड। किस चीज़ का स्पीड है? बी द स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड कॉमा मीडियम कॉमा ऑब्जर्वर एंड सोर्स रिस्पेक्टिवली। भी, वी एम, वी ओ और वी एस ये सब स्पीड है। किसका स्पीड है? द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड स्पीड ऑफ सोर्स। इतना सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। तो भी आपको स्पीड ऑफ साउंड को दिखा रहा है, एम स्टैंड्स फॉर द मीडियम, ओ फॉर ऑब्जर्वर एंड एस फॉर द सोर्स। इसके बाद हम लोग दो फ्रीक्वेंसी को मानेंगे, एक लेट न्यू डैश, यह है आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और जो न्यू है दिस इज योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। न्यू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और ऑब्जर्वर को एक्चुअली में जो सुनाई दे रहा है वो है आपका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से दिया जाएगा? तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, दैट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एम माइनस वी एस बाय माइनस, यहाँ वी ओ होगा, बाय वी प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू न्यू। देखिए यहाँ पे जो आपको न्यू डैश है, ये दिस इज योर अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस न्यू इज दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एंड इस फॉर्मूला में
यदि हम लोग मान लेते हैं कि यदि मीडियम रेस्ट पे है तो उस समय Vm का वैल्यू हो जाएगा जीरो, और यदि आपको Vm का वैल्यू जीरो हो जाता है तो देन एट दैट कंडीशन फार्मूला कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे चेंज होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ द मीडियम इज एट रेस्ट, इफ़ द मीडियम इज एट रेस्ट, मान लीजिए यदि मीडियम रेस्ट में है, इट इम्प्लाइज दैट वी एम बराबर जीरो, ये हो जाएगा जीरो, तो न्यू डैश बराबर वी प्लस जीरो माइनस वी ओ इज बाय वी प्लस जीरो माइनस वी एस इंटू न्यू। इट इम्प्लाइज दैट न्यू डैश बराबर वी माइनस वी ओ बाय वी माइनस वी एस इंटू न्यू, ये आया जो सबसे इफेक्टिव फार्मूला है, न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ बाय वी माइनस वी एस इंटू न्यू। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो वेलोसिटी का या यहाँ पर स्पीड का हम लोग डायरेक्शन पर बात करेंगे, तो यदि हम लोग सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर जा रहे हैं, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर, तो उस समय वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे, और यदि इसके अपोजिट जा रहे हैं तो वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। मतलब एक और स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज taken as positive the direction of velocity is taken as positive in the direction of source to observer in the direction of source to observer and the velocity is taken as negative in the direction of observer to source. मतलब कि यदि सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर जाएंगे, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर जाएंगे, तो उस परिस्थिति में जो भी का वैल्यू है, भी ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि यही चीज़ को उल्टा किया जाए और ऑब्जर्वर से सोर्स की ओर चले, तो इस कंडीशन में जो भी है वो हो जाएगा नेगेटिव, एक में हो जाएगा पॉजिटिव और एक में हो जाएगा नेगेटिव। अब अलग अलग कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस कंडीशन में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस आएगा, दोनों में क्या अंतर आएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस आएगा या दोनों में क्या अंतर रहेगा। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग
अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कंडीशन है पहला है कि व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसको यदि प्रैक्टिकली हम लोग बात करें कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, आपको सोर्स ऑफ साउंड यहाँ से निकल रहा है, ये साउंड निकल रहा है, और ये सोर्स यदि इसकी ओर आगे जाएगा, सोर्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तब क्या होगा? आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं, कहीं पर कोई गाना बज रहा है, किसी गाड़ी में गाना बज रहा है, और यहाँ पर आप ऑब्जर्वर हैं और वो जो गाड़ी वाला है जहाँ से गाना बज रहा है वो सोर्स है। यदि वो गाड़ी वाला धीरे धीरे आपकी ओर आपके नज़दीक आएगा तो एट दैट कंडीशन, उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में जब वो धीरे धीरे नज़दीक आएगा, धीरे धीरे आपकी ओर आएगा, आपको सुनाई देने वाला जो साउंड है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में यदि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो भी ओ का वैल्यू हो जाएगा जीरो, भी ओ का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि न्यू डैश बराबर भी माइनस भी जीरो बाय भी माइनस भी एस इंटू न्यू। देखिए इसमें यहाँ पर जो साइन है उसको हम लोग प्लस लिए हैं, क्यों? क्योंकि सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर, भी ओ का वैल्यू है जीरो, तो न्यू डैश बराबर भी माइनस जीरो बाय भी माइनस बी एस इंटू न्यू। अब इसके बाद न्यू डैश इज इक्वल टू भी बाय भी माइनस भी एस इंटू न्यू। अब ये जो क्वांटिटी आएगा, ये देखिए यहाँ भी है और ये जो टर्म है भी माइनस भी एस, ये टर्म भी माइनस भी एस इससे छोटा है, भी से मतलब भी बड़ा है, और उसको जब छोटा चीज़ से हम लोग डिवीजन करेंगे तो वैल्यू आएगा वन से बड़ा, तो न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा मतलब, तो न्यू डैश इज ग्रेटर देन आया न्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, apparent frequency is greater than the actual frequency. Apparent frequency is greater than the actual frequency. मतलब कि source के द्वारा जितना amount में sound का frequency को produce किया जाएगा
ऑब्जर्वर को उससे ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे जो वैल्यू है अपरेंट का वो बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। आप खड़े हैं कोई गाड़ी जैसे, या कोई गाड़ी जिसमें साउंड बंधा हुआ है, वो आपकी ओर जैसे जैसे आएगा आपको जो सुनाई देने वाला साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इसी कंडीशन में मान लीजिए इसी को यदि बदल देते हैं, व्हेन सोर्स मूव अवे, व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। देखिए यही जो गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे इससे दूर जाने लगा इस ऑब्जर्वर से। तो पहली बात है, ये ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी है, तो यदि ये स्टेशनरी है तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगा जीरो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो। और अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू भी माइनस भी जीरो बाय भी माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस भी एस इंटू न्यू। अब एक सवाल है कि हम लोग आखिर माइनस भी एस क्यों लिखें, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, माइनस भी एस क्यों लिखा गया। तो इस कंडीशन में जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ना, उस कंडीशन में यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तब क्या होगा, तो न्यू डैश भी माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो बाई ये ऐड हो जाएगा, तो भी प्लस भी एस इंटू न्यू, देन न्यू डैश इक्वल टू भी बाय भी प्लस भी एस इंटू न्यू, न्यू डैश इज इक्वल टू भी बाई भी प्लस भी एस इंटू न्यू। अब देखिए ऊपर में टर्म है भी और नीचे आपका टर्म है भी प्लस भी एस, इट मीन्स टू से दैट दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली लार्जर देन दिस, ये जो क्वांटिटी है वो इससे बड़ा है, इस भी से मतलब ऊपर का क्वांटिटी छोटा है नीचे का क्वांटिटी बड़ा है। इस परिस्थिति में यदि आप डिवीजन करते हैं तो न्यू डैश ये छोटा क्वांटिटी आ जाएगा वन से, इज लेस देन न्यू, इसका मतलब हुआ कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी is less than the actual frequency. It means to say that कि उस observer को जो सुनाई देने वाला sound है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, जैसे जैसे जो source of sound है उससे दूर जाएगा सुनाई देने वाला जो sound है वो धीरे धीरे घटने लगेगा।
अब अगले कंडीशंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ध्यान से, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है सपोज, साउंड निकल रहा है इससे, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, और यदि ये आपका रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर, यदि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है और दिया हुआ है कि जो आपका सोर्स है वो स्टेशनरी है, मान लीजिए कहीं पर साउंड निकल रहा है, साउंड सोर्स है, कहीं पर गाना बज रहा है और आप उसके नज़दीक जा रहे हैं, कहीं पर गाना बज रहा है आप धीरे धीरे उसके नज़दीक जा रहे हैं, तो सुनाई देने वाला जो साउंड है आपको कानों में उसका वैल्यू डेफिनेट सी बात है कि धीरे धीरे इनक्रीज करेगा, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो दिया हुआ है कि स्टेशनरी है सोर्स, तो जो वी एस है स्पीड और एस फॉर सोर्स या वेलोसिटी और एस फॉर सोर्स, ये हो जाएगा जीरो। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है न्यू डैश बराबर वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू, न्यू डैश ये आपको बताता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वी माइनस वी ओ वी माइनस वी एस इंटू न्यू। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, तो हम लोग जानते हैं कि यदि ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाएगा तो इट इम्प्लाइज दैट वी का वैल्यू क्या लेना है, माइनस, और वी एस का वैल्यू है जीरो। तो इन दोनों को यदि आप पुट करते हैं तो न्यू डैश वी माइनस ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, तो माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस, जैसे ये है वी एस, तो चूंकि ये स्टेशनरी सोर्स है तो उस कंडीशन में जो वी एस का वैल्यू है वो हो जाएगा जीरो इंटू न्यू। अब इसके बाद न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ बाय, ये वैल्यू हो जाएगा वी इंटू न्यू। ये जो टर्म आया वी प्लस वी ओ बाय वी, आप सेपरेट करके भी यदि इसको देखते हैं तो वन प्लस वी ओ बाय वी आएगा, एंड डेफिनेटली उसका जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वन। तो यहाँ से न्यू डैश का वैल्यू बड़ा हो जाएगा
न्यू से, यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू आया वी प्लस वी ओ बाई वी, इसका वैल्यू वन से बड़ा ही आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू, इसका मतलब हुआ ये जो वैल्यू आया ये उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुनाई देने वाला साउंड है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये तब होगा जब कोई ऑब्जर्वर किसी स्टेशनरी सोर्स की ओर मोशन करेगा। इट मीन्स टू से दैट कि कहीं पर भी यदि कोई सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और कोई ऑब्जर्वर यदि उसकी ओर जाएगा तो धीरे धीरे उसको जो सुनाई देने वाला साउंड है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब यदि इसका अपोजिट कंडीशन देखा जाए, अपोजिट कंडीशन कहने का सेंस है, अभी हम लोगों ने लिखा था कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, यदि यहीं पे लिखा जाए कि ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स तो देन क्या होगा। तो इस परिस्थिति में ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका प्रॉपर वे से इसका मीनिंग को फाइंड करना। फोर्थ नंबर हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये जो टुवर्ड्स लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे डील करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।